नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। और आज तारीख हो गई है 2 जुलाई। जानेंगे 2 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट खबरें। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश, उसके बाद बताएंगे यूपी में मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि। अगर आप भी चाहते हैं मुफ्त बिजली तो कैसे आपको मिलेगी वो बताएंगे। उसी के बाद बताएंगे आपको 1 जुलाई से क्या क्या हो रहे हैं नए ऐलान, उन्हीं के सभी बारे में बात करेंगे। और चंद्रयान 3 को लेकर कुछ नई अपडेट, जी हाँ, और LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने का कोई रुपया नहीं लगता, अभी लाइक का बटन दबा दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश, अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें सोमवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए गए हैं। 8 बजे के बाद कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों में बारिश के आसार दिख रहे हैं। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म, बढ़ाने के लिए CM योगी से मांग, केवल 80,000 ने कराया है रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए लाई गई मुफ्त बिजली योजना के लिए अभी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि खत्म हो गई है। लाखों किसानों वाले यूपी में केवल अब तक 80,000 ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी हाँ, बाकी लोगों ने करवाया नहीं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। अब वापस से कोशिश की जा रही है कि उसकी तिथि आगे बढ़ा दी जाए। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। भगवान का प्लान था और मैं सूर्य कुमार यादव ने नहीं किया इसका क्रेडिट, मैच पलटने वाले कैच पर कही बड़ी बात। सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एक हैरतअंगेज कैच लपक कर मैच का रुख पलट दिया, लेकिन सूर्या ने खिताबी जीत में अपनी भूमिका को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हाँ, ये कैच वाकई में बहुत शानदार था टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप को जिताने में, बहुत ही बड़ी बात है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 को लेकर, जी हाँ, लो आ गई है खुशखबरी। प्रज्ञान ने कर दिया कमाल, कर दी बड़ी खोज। आपको बता दें चट्टान के ये टुकड़े छोटे छोटे गड्ढों के किनारों, ढलानों और फर्श के आसपास बिखरे हुए मिले। और इस खोज में ये भी सामने आया कि इन चट्टानों में से किसी का भी डायमीटर 2 मीटर से अधिक नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर पूरी की पूरी रिसर्च चल रही है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि उल्लेखनीय कि जहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उस जगह को प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। जी हाँ, चंद्रमा पर चलने के दौरान प्रज्ञान को छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े मिले थे, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर 11.5 सेंटीमीटर तक थी। चट्टान के टुकड़े छोटे गड्ढों के किनारे, ढलान, फर्श आसपास के बिखरे में मिले। और इस खोज में यह भी सामने आया कि इन चट्टानों में से किसी का भी डायामीटर 2 से अधिक नहीं है, ये चीज़ देखने को मिली है। जी हाँ, चंद्रयान 4 मिशन पर लगा है इसरो, जल्दी उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल सकती है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अगली खबर जो निकल कर आ रही है, 1 जुलाई से देश भर में स्वदेशी कानून लागू, ग्वालियर में हुई पहली FIR, अब 3 साल के भीतर मिलेगा न्याय। आपको बता दें 30 जून खत्म होते ही और 1 जुलाई शुरू हो गया, उसके बाद 3 नए कानून लागू हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता देते हैं तीनों नए कानून के बारे में। जी हाँ, 15 अगस्त तक केंद्र शासित प्रदेशों में काम, दंड की जगह न्याय देने वाले कानून और 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में होगा कानून। जी हाँ, ये कुछ अपडेट हैं। सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने की टाइम लिमिट भी आ चुकी हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। मथुरा में पानी टंकी गिरने पर बड़ा एक्शन, 5 अभियंता निलंबित। जी हाँ, आपको बता दें निर्माण करने वाले संस्थानों पर केस दर्ज। आपको बता दें मथुरा में पानी टंकी गिरने के मामले में CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। 5 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है, इसमें जल निगम शहरी और 4 जल निगम ग्रामीण के 1 अभियंता भी हैं। जी हाँ, जिन्होंने बनवाया था वो उन लोगों को बाहर कर दिया है। आखिरकार ऐसे हुआ तो हुआ कैसे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 25,000 करोड़ का निवेश, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। आपको बता दें UPDIC में 25,000 करोड़ रुपए निवेश का रास्ता साफ हो गया, इसमें 1,000 युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 154 MOU हो चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो एक बार यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। बिजली बिल कम आता है तो घर पहुंच सकती है ये टीम, इंजीनियरों को मिली लिस्ट, क्या क्या होगी जांच। आपको बता दें कम बिजली खर्च करने वालों घरों के मीटर की जांच बिजली निगम शुरू कर रही है। गोरखपुर में बिजली निगम ने ऐसे घरों की सूची तैयार करके अधिकारी अभियंताओं को दे दी है। जी हाँ, जैसा कि आप चेक कर सकते हो जाँच पूरी की पूरी चलेगी, कोई भी किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा, कोई भी गलत
बिजली का फ़ायदा नहीं ले सकेगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। शिकायतों की नहीं हुई सुनवाई, टंकी गिरने से हुई 2 की मौत और 12 घायल, तब गठित हुई जांच समिति। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मथुरा में पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और इसमें 12 अन्य लोग घायल हैं। हालांकि अब डीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि टंकी बनाई और बनाने के बाद गिर जाना छोटी मोटी बात नहीं है। जी हाँ, 2 महिलाओं की मौत हुई जबकि 12 अन्य लोग घायल हो चुके हैं इसके। ठीक है, चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, एलपीजी प्राइस को लेकर। जी हाँ, बजट से पहले मोदी सरकार ने दी थी खुशखबरी, सस्ता किया सिलेंडर 1 जुलाई को, ये हो गया नैरेट। आपको बता दें मोदी सरकार ने बजट से पहले आम लोगों को खुशखबरी दी थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 30 रुपये तक घटा दिए हैं और IOCL की वेबसाइट के मुताबिक ये बदले हुए रेट 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए जाएंगे, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गैस के सिलेंडर दामों में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलने ही वाला है। चलिए इसी के बाद से जान लें अब अगली बड़ी खबर, लोकसभा में राहुल गांधी को रोकने में क्यों झूंझती नजर आई बीजेपी, भाजपा के भाषण के चार महीने। आपको बता दें लोकसभा में राहुल गांधी का सोमवार को नया रूप दिखी गया, जो केवल बीजेपी पर हमलावर नहीं थे बल्कि अपनी बातों को तर्कसंगत तरीके से रख भी रहे थे। पिछले 10 सालों में पहली बार लोकसभा में बीजेपी बैकफुट पर दिखी है वाकई में। बाकी देखते हैं क्या होता है, एक राहुल भी कटाक्ष करने में माहिर हो गए हैं। दूसरी चीज, मोदी अमित शाह राजनाथ सिंह का बार बार खड़ा होना भी काम नहीं आया, सच झूठ से बेपरवाह और राहुल शुरू से हमलावर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, बजट 2024 को लेकर डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी पर होगा निर्मला सीतारमण का फोकस। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र की एनडीए सरकार का फोकस लंबी अवधि की ग्रोथ पर है, इसलिए बजट में उन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस होगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में ज़्यादा योगदान दे, यानी कि डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर अच्छे से काम हो सकता है। $25 अरब के डिफेंस उत्पादन का लक्ष्य हो सकता है। हाईवेज नेटवर्क प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नई स्कीम को लेकर ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड ने किया बड़ा ऐलान, 1100 करोड़ में बिकेगा ये बिजनेस। जी आपको बता दें पतंजलि फूड लिमिटेड के बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड PAL के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, स्वामी रामदेव जी के जो नेतृत्व में बनी पतंजलि आयुर्वेद ने अपना जो जितना भी पर्सनल घरेलू जो कारोबार था वो 1100 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला लिया है और उसके लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ने जो आयुर्वेदिक लिमिटेड के जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको मंजूरी दे दी है, जिससे कंपनी के एक अग्रणी जो MFCG कंपनी के रूप में परिवर्तन की गति तेज होने वाली है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, नेपाल में बारिश से गंडक में बाढ़, तो नहीं झेल पाएंगे बाद, कुशीनगर में मच सकती है तबाही। आपको बता दें नेपाल के पहाड़ी और कुशीनगर से सटे तराई इलाकों में बारिश से बाढ़ आई, तो कुशीनगर के कई गांव बाढ़ में डूब गए। मरम्मति के अभाव में कई जगह बांध संवेदनशील है और बाढ़ झेल नहीं पाए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो किस लेवल पर बाढ़ आई है। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर, भारत ने बनाया दुनिया का सबसे तगड़ा विस्फोटक, ब्रह्मोस वाले से भी ज़्यादा घातक, दुनिया में मचेगी खरीदने की होड़। आपको बता दें रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ भारत लगातार नए नए आयाम हासिल कर रहा है और ऐसे ही नया आयाम हासिल हुआ है जिसमें भारत ने सैब एक्स टू नामक विस्फोट को तैयार कर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया। और इस विस्फोट के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये परमाणु आधारित नहीं है लेकिन इसकी विनाशकारी क्षमता बहुत अधिक होने वाली है। विस्फोटक इतना घातक है, इसका आंकलन TNT यानी कि ट्राई नाइट्रो प्रोलुइन के आधार पर किया जाता है। TNT का एक मानक जिसके अनुसार तय होता है कि किसी विस्फोटक में कितनी तबाही करने की क्षमता है। इस पैमाने की बात करें तो सेवक्स 2 की क्षमता से दुगने से थोड़ा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ताकतवर विस्फोटक जो परमाणु आधारित नहीं है। वजह नहीं है, विनाश की क्षमता नहीं है, मेक इन इंडिया की बल्ले बल्ले, जिसमें सिटबैक्स 1, सिमैक्स 4 ये चीज़ें जो बनाए गए हैं विस्फोटक वो थे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, अगली खबर निकल कर आ रही है ITR को लेकर। जी आपको बता दें इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं करेंगे तो लगेगी कितनी पेनल्टी। आपको बता दें 31 जुलाई तक अगर आप इनकम टैक्स पे रिटर्न फाइल नहीं भरते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी, उसके लिए पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। और बताया गया है कि इसके लिए जो पेनल्टी है वो आपको आने वाले टाइम में अपडेट मिल ही जाएगा कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ, 5 लाख रुपये या इससे कम है तो इसके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल के लिए आपको 1000, 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000
और इस प्रकार से टैग जो पेनल्टी है वो लगने वाली है। ठीक है, तो अपना पहले ही इनकम टैक्स फाइल भर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट, बिजली का बिल ऑनलाइन भरने वालों को झटका, इस राज्य ने बंद कर दी है सर्विस। आपको बता दें ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, देश में सभी जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है जिसके जरिए गैस बिजली पानी का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य में इसे बंद भी कर दिया गया है। जी हाँ, एक सबसे बड़ा अपडेट है। जी हाँ, तेलंगाना में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे जैसे प्लेटफॉर्म को बिजली का बिल पे करने की सुविधा बंद कर दी गई। इसके बजाय आप जितने उपभोक्ता हैं आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान करने को कहा है। इसको लेकर राज्य के लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। चलिए इसके बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। 11:30 बजे लेट नहीं, 12:30 बजे तक फिर भेंट नहीं, हाई कोर्ट जजों के हैरतअंगेज रवैया पर भड़की भावी सीजेआई। जी आपको बता दें जस्टिस बीआर गवाई ने कहा कि कुछ हाई कोर्ट्स में कुछ समय जो जज है वो समय पर नहीं बैठते हैं, ये जानकर हैरानी होती है। कुछ जज 11:30 के बाद ही बैठते हैं जबकि अदालत का समय सुबह 10:30 बजे शुरू होता है। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा सही है या गलत, कमेंट्स में आप ज़रूर से बताइएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, सीबीआई के एक्शन को चुनौती, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई। आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की और सिक्की की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जी हाँ, बाकी देखते हैं इसमें जो भी अपडेट आएगा आने वाले समय में मिल जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश देश दुनिया की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।